बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव जी आप साथ में, आपको दे दूंगा आज के अपडेट। अब यह है कि तमाम तरह मेरे पाकिस्तानी या इंडियन या बंगाली या मेरे नेपाली भाई जो यहाँ सऊदी अरब में काम करते हैं या न्यू वीजा के ऊपर सऊदी अरब में आ रहे हैं, आप सब भाइयों के लिए एक काफी काफी क्या भी खुशी की खबर आ चुकी है सऊदी हुकूमत की तरफ से। आप भाइयों के साथ कोई भी बंदा अगर कोई भी किसी किस्म का इत्तेफाक करता है, आपको काम के ऊपर लेकर आता है और काम कोई और निकलता है, आप उससे बोलते हैं कि भाई मैंने तो तेरे साथ इत्तेफाक यानी कि एग्रीमेंट ही नहीं ये किया है, तो वो बंदा आपके साथ कोई भी किसी किस्म की बदसलूकी करे, आपके ऊपर किसी भी किसी किस्म का जुल्म करे, आपके आपको भाई जबरदस्ती यानी कि आपसे वो काम करवाने की कोशिश करे, तो इस चीज को लेकर सऊदी अरेबिया में यानी कि जो बंदा आपको लेकर आया जिसके तहत आप आए हैं, चाहे आप भाई अपनी कंट्री से आ रहे हैं न्यू या यहां से भाई एग्रीमेंट कर रहे हैं, और जो कोई भी बंदा इसके दौरान यानी कि इनके दरमियान में हुआ, जैसा कि मेरा एक दोस्त है मुझको बोलता है कि मैं तेरे को लेकर चलता हूँ फलां बंदे के पास, उस बंदे ने एक गाड़ी लोड करनी है, आओ चलते हैं। मैं बोलता हूँ ठीक है। वहां जाकर भाई वो बोलता है ये सीमेंट की बोरियां उठाकर लोड करनी है, वो दरमियान वाला बोलता है जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं बोलता हूँ यार मेरी तो ये बात ही नहीं हुई है, और वो बंदे मेरे से बदतमीजी करनी शुरू कर देती हैं या मुझे मारते हैं या मेरे गिरेबान में हाथ डालते हैं, कोई भी किसी किस्म की मेरे साथ भाई ज्यादती करते हैं। तो वो दोनों बंदे, ऐसा नहीं है कि वो जिसने गाड़ी लोड करवानी है, वो जो मुझको लेकर गया वो भी इसी जुमरे में आएगा। इन बंदों को लेकर सऊदी अरेबिया में अभी भाई इनको जो आपके साथ किसी भी किसी किस्म की बदसलूकी जुल्म अगर आपके ऊपर करेगा उसको 10 साल की कैद होगी। और इसमें जो सक मैंने आपको बता दिया है, चाहे एक बंदा हो चाहे दो हो, जितने भी इस बंदे जुमरे में आएंगे सबके सब अंदर जाएंगे, 10-10 साल की उनको कैद होगी। अगर आपसे कोई भी बंदा किसी किस्म की बदसलूकी या जुल्म करे आपके ऊपर यानी कि आपके साथ धोखा करे किसी भी चीज को लेकर, तो भाई अभी निडर होकर काम कीजिए। हाँ, जो आप एग्रीमेंट करते हैं उसके ऊपर काम करें, लेकिन कोई भी ऐसी हरकत आपके साथ बंदा कर रहा है तो भाई आप सऊदी गवर्नमेंट यानी कि मरूर वालों को, शुरतों वालों को निजामल अमल में कहीं भी जाकर उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं।